सो गाइस उबाल आ चुका है इसके अंदर। सो ये देखिए गाइस हो चुका है एकदम बढ़िया। शादिया बताओ क्या कहने वाले हो आप। सो गाइस फाइनली यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियोस पोस्ट कर दी हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू द वैष्णवी ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सो गाइस हो रही है दोपहर और ये हमारे सर्दी के अटायर होते हैं, लोअर और उसके ऊपर हुडी और थोड़ा सा किया है मेकअप, हल्का बहुत, कोई फेस पाउडर या वो नहीं, बस ना लिपस्टिक लाइनर ये सब वगैरह, क्योंकि डेली हम बनाते हैं शॉर्ट्स वीडियो तो उसके अंदर थोड़ा सा हमें करना पड़ता है ये सब, और चेंज करके कपड़े थोड़ा सा अच्छा सा लुक लेके उसके बाद बनाएंगे अपनी शॉर्ट्स वीडियोस। और आ चुके हैं आदि स्कूल से, तो चलो पहले उनको दिखाते हैं। और सबसे पहले सबको हैप्पी विंटर्स, क्योंकि विंटर्स अब आ चुकी हैं, विंटर्स से क्लोथ्स हो चुके हैं शुरू और बढ़िया बढ़िया खाने पकवान भी बनने शुरू हो गए हैं, मेथी बथुआ और पालक और ये सब। और आज इसी बात पे हम बनाएंगे पालक पनीर और उसकी रेसिपी मैं आपको दिखाऊंगी। सो गाइज पहले दिखाते हैं आदि को कि स्कूल से आते ही उनकी थी एक डिमांड जो करी उनकी अम्मा ने पूरी ले जाकर उनको, तो पहले दिखाते हैं आपको आदि क्या कर रहे हैं इस समय। ये आदू इतनी सर्दी कैप वगैरह ओढ़ कर, आदू तो कल ही मैं लेके आई हूँ इनके लिए कैप, क्योंकि इन्हें बड़ा मन था ये जिसमें ये पॉम पॉम से लटक रहे हैं ना कि मेरे को ला दो, मैं कहा ये लड़कियों वाले हैं, लेकिन नहीं। फिर कल मुझे थोड़ी बॉयज सी ये कैप दिख गई, मैंने कहा आप घर घर में तो ये लुक ले ही सकते हो ना, है ना आदू, मंकी कैप सी दिखाओ। तो आप क्या कर रहे हो? लॉलीपॉप खा रहा हूँ। तो गाइज स्कूल से आते ही इनको लगी लॉलीपॉप खानी है और अम्मा दिला के इनको लॉलीपॉप। चलिए देखते हैं अम्मा क्या कर रही हैं। तू चलो अम्मा के पास चलते हैं, क्या कर रही हैं अम्मा? ये देखो इनकी वॉक देखो, ओहो हो। सो अम्मा तो अब हो गई है दोपहर, तो मम्मी जी लेट गई हैं अपना फोन लेके, अभी थोड़ी देर में फोन मांग लेगा आदि। तो ये हमारे लड्डू राम, देखिए गाइज मैंने बोला ना ठंड आ चुकी है, तो ये देखिए लड्डू राम भी उन्हीं कपड़ों में, और आदू की तो कैप ही मस्त है भाई, है ना, इनको ज्यादा सर्दी लग रही है। और अभी मेरे को बनानी है वीडियोस, तो मैंने चेंज कर लिए हैं कपड़े, पहन लिया है सूट और मैं बनाने जा रही हूँ वीडियोस। और कपड़े ये देखिए इस तरीके से पटको, बस जल्दी से अपना तैयार हो और स्टार्ट करें अपनी वीडियोस का, ये लगता है बस काम करके घर का। तो अब हम जा रहे हैं अपनी रिंग लाइट को लेकर, दिख रही होगी आपको पीछे रिंग लाइट शीशे में, तो रिंग लाइट लेके मैं जा रही हूँ हॉल में और वहां पे बनाऊंगी वीडियोस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस फाइनली यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियोस पोस्ट कर दी हैं और मुझे कम से कम लग गया 1.5 घंटा करने में ये सब। और अब बस अब मैं चेंज करके कपड़े रेस्ट करूँगी थोड़ी देर, कि फिर आदि को छोड़ने जाना मुझे ट्यूशन, और अभी आदि थोड़ा मज़े ले रहे हैं स्कूल से आए हैं। तो ये रही मेरी रिंग लाइट इस तरीके से, और ये देखिए यहाँ पर फ़ोन टी शर्ट शॉल ये सब प्रॉप्स यूज़ करने पड़ जाते हैं, तो भागना पड़ता है प्रॉप्स के लिए कभी कहीं कि ये चाहिए वीडियो क्लिप ये चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली हम देखते हैं कौन सी वीडियो बनानी है कौन सी नहीं। तो बस गाइज अब थोड़ा सा करेंगे रेस्ट और उसके बाद ट्यूशन छोड़ के आएंगे आदि को, फिर अपना बनाएंगे हम कढ़ाई, क्या बनाने वाले हैं हम आज, देखो मैं भूल भी गई वीडियोस के चक्कर में, आज हम बनाएंगे पालक पनीर। तो गाइस चलिए अब थोड़ा सा कर लेते हैं रेस्ट, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। सो गाइस आ गई थी मैं आदि को ट्यूशन छोड़ने के लिए और ये दूसरा ब्लॉक है और हम जा रहे थे। आदि आप ट्यूशन जा रहे हो, अच्छा लगता है ट्यूशन पढ़ना? खासा पसंद नहीं है, अभी स्टार्टिंग है ना ट्यूशन की आदि की, तो थोड़ा सा हो जाता है। तो मैं आंख लग गई थी मेरी, सो गई थी मैं, और अलार्म लगा रखा मैंने आदि की ट्यूशन का, तो बस आदि का अलार्म बजा ट्यूशन का, हम आ गए हैं छोड़ने के लिए इनको, अब ये पढ़ेंगे यहाँ पे उसके बाद हम चलते हैं घर फटाफट। चले आदि चलो। सो गाइज एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको, नीचे आई थी तो मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखाया जाए कि क्या हो रहा है आजकल सोसाइटियों में भी, कि देखिए ये जो आप घास देख रहे हो ये सब अभी अभी लगाई हैं रिसेंट, क्योंकि यहाँ हुआ करता था हमारा छोटा सा मंदिर, वो इन लोगों ने हटा दिया। जैसे मैंने आपको दिखाया ग्रीनरी कर दिया है यहाँ सारी मंदिर हटाकर, तो अब हम मंदिर घर के पास ही है एक,
वहाँ जाते हैं रोज सुबह, और मुझे बहुत बुरा लगा यहाँ से जब मंदिर हटा दिया, लेकिन वो बनाया वो भी कह सकती हो कि बिल्डर्स की मर्जी से नहीं था। तो गाइज आ गए हैं घर, और अब मैं आ गई हूँ ब्लैंकेट में, और मैं अब खा रही हूँ सांदा, मम्मी जी ने बनाया था, ये देखिए। One hour later. So guys, आज आदि की ट्यूशन टीचर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो आज थोड़ा टाइम से पहले आ गए हैं आदि, और एक्साइटमेंट लेवल भी इतनी है। और अभी रुक जाओ आदि, कुछ बताएंगे आपको, रुकिए। आदि अब बताओ क्या कहने वाले हो आप? अभी हम मैं ट्यूशन से आई रहता और स्कूल से मैसेज आया कि कल मैं स्कूल से मॉल जाने वाला हूँ। कि टीचर जो है वो कल इनको बच्चों को सबको मॉल लेके जाएंगी, तो उसका मैसेज आया था, तो वही मैंने बताया एक्साइटमेंट लेवल इतना सुपर हाई हो चुका है इनका। ये देखिए कपड़े लगाने हैं, मैं इतने सारे ये प्रेस किए, तह बने हुए कपड़े लगाने हैं, और कॉफी बनाने का मन है कि चाय नहीं पी रहे आज, चलो कॉफी बनाते हैं। तो और एक ट्रिक भी बताऊंगी आपको, कॉफी कैसे अच्छी और टेस्टी बन सकती है। तो पहले ये कपड़े लगा देते हैं अलमारी में, फिर चलते हैं किचन में। सो गाइस आ गई हूँ मैं किचन में। सो गाइस पहले पालक को मम्मी जी ने इस तरीके से कट कर दिया है, और इस भुगोने के अंदर रख दिया है, और सुबह ही उन्होंने काट कर रख दिया था, और अब इसको मुझे करना है वॉश, और इसको रखने के कुकर में उबलने। तो पहले इसको वॉश करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी मिट्टी किरकिराहट होती है, तो आपको बहुत अच्छे से इसको वॉश करना है, तभी कुकर में चढ़ाएंगे। तो पहले मैं इसको कर लेती हूँ वॉश। तो गाइस इस तरीके से मैं इसको ऐसे इसमें से वॉश कर करके कुकर के अंदर रख दूंगी उबलने के लिए। तो हमको अच्छे से वॉश करना है रगड़ रगड़ के, और इसके अंदर डाल देना है कुकर में। तो पहले मैं कर देती हूँ ये। सो गाइज ये देखिए हो गया है पालक रेडी, 3 से 4 बार मैंने इसको धोया है। अब इसमें डाल दूंगी मैं साफ पानी, फिल्टर का पानी डाला है, और इसको मैंने वॉश कर लिया है, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये 2 हरी मिर्च, और हरी मिर्च डालूंगी, और डालूंगी इसके अंदर नमक, हल्दी और थोड़ी सी अदरक। सो गाइज अदरक को मैं काट के डाल दूंगी बारीक बारीक, या घिस दूंगी इसके अंदर, और मिर्च काट के डाल दूंगी, हल्दी नमक डाल दूंगी, दिखाती हूँ आपको। सो गाइज ये रही अदरक कटी हुई, और हल्दी, हरी मिर्च और नमक। सो ये सारी चीज को डाल के इसको हम उबाल लगाएंगे अब, और उसके बाद का प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊंगी। Soon after. सो गाइज कॉफी, दूध और चीनी तीनों मिक्स कर दिया मैंने, दूध के भगोने में बना रही हूँ मैं कॉफी, और फिर मैं बताऊंगी इसका जो मेन स्टेप है, जिसके वजह से इसमें टेस्ट आएगा। तो अभी जरा एक बार ये उबल जाए, उसके बाद दिखाते हैं मुझे करना कि आपको करना क्या है इसमें। तो जरा उबाल आने ही वाला है, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको स्टेप। सो गाइज उबाल आ चुका है इसके अंदर, और इसका जो मेन स्टेप है वो है ये बीटर। तो एक दिन मैं कॉफी बना रही थी ऐसी, तो झाग के लिए हम उछालते हैं, तो उछालने की जगह आई यूज दिस, और इसको हमें इसके अंदर अच्छे से, जैसे हम रई रगड़ते हैं ना ऐसे दोनों हाथों से करके, वैसे हमें करना है, और कॉफी रहेगी रेडी हमारी। सो गाइस देखिए इस तरीके से बबल झाग जो हैं हमारी कॉफी में एकदम बढ़िया उठते हैं बीटर से, और अभी जब मैं इसको कप में डालूंगी तो देखना ऊपर तक झाग आ जाते हैं, और बहुत ही टेस्टी कॉफी बनती है बीट करके। तो ये देखिए किस तरीके से इसके अंदर झाग है, और ये इतनी टेस्टी लग रही है, इसके ऊपर आप चॉकलेट पाउडर भी डालोगे ना बहुत मजा आएगा। तो चलिए मैं और मम्मी जी करते हैं अपनी कॉफी एंजॉय, और उसके बाद आते हैं किचन में, वापस करेंगे पालक पनीर तैयार। सो गाइस जो पालक है वो उबल चुका है, दिखाती हूँ मैं आपको जरा। तो ये देखिए इस तरीके से ये पालक उबल गया है, बिल्कुल गल चुका है, पर इसमें थोड़ा पानी है क्योंकि उबलते वक्त होता है। तो इसके अंदर अभी मैं पहले आलन लगाऊंगी मक्का के आटे का, तो मक्का का आटा इसमें थोड़ा डालेंगे और ब्लेंडर से चलाएंगे इसको, बिल्कुल कर लेंगे चिकना। सो ये गाइस डाल दिया है मक्का का आटा, और मैं लेने वाली हूँ ब्लेंडर, इसको चलाऊंगी एकदम, कर लूंगी इसको मैश कर दूंगी अच्छे से। तो इस तरीके से मैं ब्लेंडर इसके अंदर चलाऊंगी और इसको अच्छे से घोट लूंगी। सो ये देखिए गाइस हो चुका है एकदम बढ़िया चिकना, और एकदम फाइन हमारा पालक हो गया रेडी। अब इसको हमें थोड़ा सा खदकाना है, हम पकाएंगे इसको, तो इसको मंदी गैस पर रखकर हम इसको पकाएंगे। सो गाइस फ्राइंग पैन में डाल दिया है मैंने ऑयल, और उसमें डालेंगे हम थोड़ी सी हींग, और डालेंगे जीरा। हींग जीरा डालने के बाद मैंने कर लिया है चॉप प्याज,
डाल देंगे प्याज और अच्छे से इसको करेंगे फ्राई। सो गाइस प्याज हो गई है फ्राई और टमाटर भी मैंने चॉप कर लिए, इसको डाल देंगे इसके अंदर। नॉर्मली जैसे आप किसी दाल में तड़का लगाते हो एग्जैक्टली वही लगना है। और इसको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। मेरे पास अगर होता पालक पनीर मसाला तो मैं वो डाल देती, लेकिन वैसे मैंने कभी यूज नहीं किया है। तो अब इसको अच्छे से हम कर लेंगे फ्राई। तो थोड़ा सा जब टमाटर फ्राई हो जाए फिर इसमें हम डालेंगे मसाले। तो मसालों में वही हमारे बेसिक मसाले, धनिया और मिर्च। थोड़ा चटपटा ही अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। और नमक और हल्दी हम पहले मिक्स डाल चुके हैं इसमें। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसको थोड़ा फ्राई करेंगे और ये थोड़ा गल जाए जब टमाटर, तब हम इस प्योरी को डालेंगे कुकर में और फिर इसको ढक्कन लगा के, ढककर इसी तरीके से जिस पोजीशन में रखा है पकाएंगे। तो ये देखिए ऑयल सेपरेट होने लगा है, तो जल्दी से इसको पका लेते हैं। सो गाइस मसाला मैंने जो बनाया है वो इसके अंदर डाल दिया है, अब इसको मैं रखूंगी पकने के लिए गैस पर, मंदी आंच पर हमें पकाना है, खदका लगाना है। तो थोड़ी देर पकाएंगे और उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे पनीर। सो गाइस मैदा मैं मान रही थी, सोचा आपको दिखा दूं कि मैं क्या क्या डालती हूँ जो हम नान बना रहे हैं। तो मैंने डाली है इनो, दही और नमक। तो ये डाला है मैदा को और अच्छे से इसको ल्यूक वॉर्म वाटर यानी गुनगुने पानी में हम मांड लेंगे। और पनीर भी आ चुकी है और हमारा जो ये है देखो इस तरीके से, देखो इसके अंदर खदका आ रहा है, ये अच्छे से पकेगा और बनेगा हमारा लाजवाब सब पालक पनीर। और हस्बैंड जी भी आ चुके हैं, चलिए आज दिखाते हैं उनको, काफ़ी टाइम बाद आएंगे मेरे ब्लॉग में, तो चलिए पहले आज मिलाते हैं उनसे। सो गाइस ये देखिए कुछ चेंज दिख रहा होगा आपको। क्या कर दिया मैंने। हाँ जी हाय कर दीजिए पहले मेरे सब्सक्राइबर्स को, अगर वो पहचान लें आपको तो। क्या हुआ इतने दुखी क्यों हो, क्या हुआ? गाइस ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने दाढ़ी क्लीन कर ली है। तो इन्हें थोड़ा लगता है क्योंकि मेरे को थोड़ा क्लीन से ज्यादा अच्छी लगती है इन्हें दाढ़ी, लेकिन कभी कभी बीवी को कुछ करने के लिए शेव कर लेते हैं, तो वही हुआ है। और इनके प्रोफेशन में क्लीन शेव से ज़्यादा दाढ़ी लोगों को इन पे ज़्यादा पसंद आती है। तो आज ऐसी गाय थे स्कूल में और किसी ने बोल दिया कि भाई दाढ़ी की फटाई। तो इसलिए हाँ जी भाई अभी अभी आए हैं थके हुए, देखो आधी अलग ही, ये देखिए आ गए फोन में लग रहे हैं ये, है ना आदू? तो ठंड हो गई है ये देखिए, कैसा मौसम है बाहर, ठंड लगती है या फिर हमको, क्योंकि हम तो घर में ही रहते हैं, मुझे ज्यादा पता नहीं ठंड के बारे में, कैसा विंटर्स कैसी चल रही है, लग रही है थोड़ी ठंड बाहर? हाँ ठंड आ रही है, स्टार्ट हो गई है, लग रही है। तो मैं बना रही हूँ आज पालक पनीर और नान। खाएंगे आप? क्यों क्यों लिया, इतने प्यार से बना रही हूँ मैं, पालक पनीर नहीं पसंद आएगा इसीलिए बना रही हूँ, मैंने पसंद नहीं है इसीलिए क्योंकि मुझे पसंद है। कभी कभी वही अपनी चॉइस का भी खाना बनाना चाहिए, है ना? अरे उनके लिए भी है, ऐसी बात नहीं है, उन्हें मैं खिला के मानूंगी कि पालक पनीर खाओ मेरी चॉइस का, और इतना बुरा नहीं बनाती हूँ मैं, पहले भी बना चुकी हूँ और इन्हें अच्छा लगा है। तो चलिए ज़्यादा ना डिस्टर्ब करते हुए चलते हैं किचन में और काम करते करना पूरा। सो गाइस ये देखिए हो चुका है हमारा पालक पनीर तैयार, इसमें मोटे मोटे क्यूब्स डाले हैं मैंने पनीर के क्योंकि मोटे ही अच्छे लगते हैं। और मैदा भी हो चुकी है रेडी, सो बहुत ही टेस्टी बनी है, मैंने चख ली है और लड्रम के अलग निकाल दी बिना प्याज टमाटर की, और बहुत ही अच्छी लग रही है। अब देखेंगे डिनर के टाइम पे कि घर वालों को कैसी लगती है। सो गाइस अब फाइनली हम बना रहे हैं नान और पापा जी के लेकर जाते हैं डिनर और पूछते हैं उसने कैसा लग रहा है खाना। हाँ जी बाबू जी बताइए कैसा बना है हमारा पालक पनीर और नान? बहुत ही लाजवाब अल्टीमेट बना है पालक पनीर, बहुत शानदार बना है, और उसके साथ में जो ये नान बनी है इसका तो जवाब ही नहीं है। अच्छी लग रही नान? बहुत बढ़िया, बस मैंने कहा नान बना दी, रोटी तो हम रोज ही खाते हैं, अल्टीमेट, बहुत ही अल्टीमेट फूड। चलो पापा जी को पसंद आया, अभी मम्मी जी के लिए ला रहे हैं, यहाँ चल रहा है उनका सीरियल, शिव जी का कौन सा सीरियल है ये, शिव शक्ति। सो गाइस खाना पापा जी को आया बहुत पसंद,
सो अब हम भी डिनर करेंगे एंजॉय और आज का व्लॉग भी करते हैं पे एंड। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।